गुड मॉर्निंग। आज बहुत बढ़िया सनी डे है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। आई एम श्योर आपको भी हवा की आवाज़ आ रही होगी। बहुत बढ़िया दिन है, तो मैंने कहा चलो वॉक पे टॉक करते हैं। और आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे वॉक हार्ट ब्लॉकेज के मरीजों के लिए रामबाण इलाज है, उसके आगे बताऊँ कि किन चार चीज़ों का ध्यान रख के वो इसे और बेटर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसका ध्यान रखना है कि आप उतनी गति पे वॉक करें जो आपके लिए कंफर्टेबल है। अगर आप बिगिनर्स हैं, अभी अभी वॉक करना शुरू किया है, तो ध्यान रखिए धीरे धीरे वॉक करें। अगर आपके चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो जब भी डिस्कम्फर्ट हो रुक जाएं, थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही अच्छा फील करने लगे फिर चलने लगे। धीरे धीरे करें, धीरे धीरे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ने लग जाएगी। अगर ज़्यादा दिक्कत है 10 मिनट वॉक करें, ग्रेजुअली 15-20-25 मिनट, एंड यू विल बी सरप्राइज। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, यू विल बी सरप्राइज, आप जल्दी एक एक घंटे तक आराम से वॉक कर पा रहे होंगे, कई किलोमीटर आप आराम से कवर कर पाएंगे। दूसरी बात, गर्मी में वॉक करें। गर्मी में वॉक करने का मतलब नहीं है कि बिल्कुल धूप में वॉक करें, गर्म यानी अगर विंटर्स चल रही हैं तो ऐसी जगह वॉक करें जहाँ सनी हो। अगर धूप नहीं मिल रही या धूप अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे पहर में वॉक करें जब थोड़ी गर्मी हो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं, तो अपने आप को पूरी तरह कवर करके वॉक करें। आपकी बॉडी में गर्मी बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंटर टाइम में हमारी जो नर्व्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो जब हमारी बॉडी वर्कआउट करना यानी वॉक करना शुरू करती है, हार्ट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ब्लड को थ्रू आउट दी बॉडी पहुँचाने के लिए। इस टाइम आप नोटिस करेंगे कि आपकी हार्ट रेट बढ़ रही होगी, वो ग्रेजुअली ठीक हो जाएगी। तो ध्यान रखें कि आप सही गति पे वॉक करें, अपने आप को कवर करके, या गर्म जगह पे वॉक करें। तीसरी चीज़, खाली पेट वॉक करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगेन, आप दिन के किसी भी पहर में वॉक करें, कोशिश करें खाने से पहले वॉक कर लें। सुबह करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिन के किसी भी पहर करते वक्त खाली पेट रहें और उतनी गति पे जो आपके लिए कंफर्टेबल है। अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ, जल्दबाजी ना करें, एक्स्ट्रा प्रेशर अपने दिल को ना दें। चौथी और सबसे ज़रूरी चीज़, जिसके ऊपर मैंने एक और वीडियो भी बनाई है जो आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूँगा, वो है अपने हार्ट रेट का ध्यान रखना। हर एज ग्रुप के हिसाब से हार्ट रेट होता है। जैसे अगर हम एक 20 साल के व्यक्ति की बात करें, तो उसका हार्ट रेट मैक्सिमम 170 होता है। यहीं पे ही अगर हम 40 साल के व्यक्ति की बात करें, तो उसका हार्ट रेट मैक्सिमम 150 होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा हार्ट रेट जो है इससे नीचे रहे, इससे ऊपर ना जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आजकल वॉचेस भी आती हैं जिन्हें आप पहनकर कई सारे पैरामीटर्स को जान सकते हैं कि इस टाइम आपका हार्ट रेट क्या है, आप कितने किलोमीटर चल चुके हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मोबाइल में भी ऐप्स आती हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेंगी, आपको पता रहेगा आपका दिल इस टाइम किस गति पर धड़क रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि दिल ज़्यादा गति से धड़क रहा है यानी हार्ट रेट ज़्यादा है, तो थोड़ा सा रुक जाएं, ग्रेजुअली वॉक करें, धीरे धीरे वॉक करें। हार्ट रेट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप वॉक करते रहेंगे, तो कुछ हफ्तों में आप नोटिस करेंगे आपका हार्ट रेट नीचे आने लगेगा। जी, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा हार्ट रेट नॉर्मली 90-135 के बीच में रहता था जब मैंने स्टार्ट की थी, अब वो 90-110 रहता है। जी हाँ, आपका भी ठीक हो जाएगा, और जब आपका हार्ट रेट ठीक लेवल पे होगा, तब आपको वॉक करने में भी और कंफर्ट आने लगेगा। बस लगे रहिए,
वॉक करते रहिए, अपना और अपनों का हमेशा ध्यान रखिए।